औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टडीड मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, सब्सटेंस, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, हेटरोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ वी विल स्टडी व्हाट आर एलिमेंट्स। इन द अर्लीस्ट एजेस ओनली 9 एलिमेंट्स, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मर्करी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर वर नाउन। At that time, it was considered that elements were the substance that couldn't be broken down into simpler units by ordinary chemical processes. Mean aaj pehle zamane mein ye tasavvur sirf 9 elements jo the wohi find out kiye gaye the, discover kiye gaye the, aur ye concept tha us daur mein कि जो एलिमेंट्स हैं, जो अनासिर हैं, वो अनडिवाइडेबल हैं, हम इन्हें फर्दर ब्रोक नहीं कर सकते इनटू स्मॉलेस्ट पीसीस के अंदर बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस से। अनटिल द एंड ऑफ 19th century, यानी 19वीं सदी के आखिर तक 63 एलिमेंट्स हैड बीन डिस्कवर्ड। 63 एलिमेंट, यानी 63 एलिमेंट्स जो थे वो डिस्कवर्ड हो चुके थे। नाउ 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड आउट, विच 92 आर नेचुरली अकरिंग एलिमेंट मॉड। अच्छा, इसमें देखें, कहते हैं कि 118 एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं, जिनमें से 92 एलिमेंट्स जो हैं वो नेचुरली हैं। मीन कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं वो सिंथेसाइज हैं, उन्हें हम सिंथेसाइज लेबॉरेटरी में और डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए हम उन्हें सिंथेसाइज करते हैं। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट इज़ दैट, जहाँ से एलिमेंट की डेफिनेशन करते हैं, कहते हैं इट इज़ ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मींस। कहते हैं एलिमेंट जो है, इट इज़ ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, मीन एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एटम्स से बने, डिफरेंट एटम्स नहीं होंगे। हैविंग सेम अटामिक नंबर एंड कैन नॉट बी डीकम्पोज इंटू सिंपल सब्सटेंस, और सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर डीकम्पोज नहीं होगा बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स के अंदर। अच्छा, इट मीन्स दैट ईच एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम दैट हैव वेरी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। मीन जो भी एलिमेंट है वो सेम टाइप ऑफ यूनिक टाइप ऑफ एटम से बना होगा, और उसकी हर एलिमेंट की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी। एलिमेंट्स अकर इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड फॉर्म, मीन एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में भी मौजूद हैं और फ्री फॉर्म में भी मौजूद हैं। फॉर यू हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, ये फ्री फॉर्म में भी होती हैं, कंबाइंड फॉर्म में भी। हाइड्रोजन H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन से कंबाइंड फ्री भी है। कुछ एलिमेंट है जो सिर्फ फ्री स्टेट में है, तो इन्होंने बस इस चीज़ को इधर शो किया है। ऑल द नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स फाउंड इन द वर्ल्ड हैव डिफरेंट परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट, ओशियन एंड एटमोसफेयर टेबल शो, दिस टेबल 1.1 शोज नेचुरल अक्रेंस इन परसेंटेज बाई वेट ऑफ सम मेजर एलिमेंट्स अराउंड अस। इट शोज कंसनट्रेशन ऑफ दीज मेजर एलिमेंट्स फाउंड इन द थ्री मेन सिस्टम ऑफ आवर इन्वायरमेंट। देखते हैं जी कौन से एलिमेंट हैं जो अर्थ क्रस्ट, ओशियंस और एटमॉस्फेयर में जिनकी अबंडेंस क्या है। ऑक्सीजन, देखें जी ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट का 47% ऑक्सीजन जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर मौजूद है, और यही ऑक्सीजन ओशियन समुंदर वगैरह के अंदर 86% पाई जाती है, और यही ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर यानी हमारे इन्वायरमेंटल जो फिज़ा के अंदर ऑक्सीजन जो है वो देखें आप टेबल के अंदर 21% है। नेक्स्ट सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट के अंदर 28% है। एलुमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर 7.8% है। हाइड्रोजन जो है वो ओशियंस यानी समुंदर के अंदर, समुंदरों वगैरह में
11% है और क्लोरीन ओशंस के अंदर 1.8% है। नाइट्रोजन देखें, सबसे ज़्यादा अगर एटमॉस्फेयर में किसी चीज़ की अमाउंट है, अबंडेंस है, वेरी अबंडेंस एलिमेंट इन द एनवायरनमेंट इज़ ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर इन इज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सॉरी, नाइट्रोजन 78% जो है वो एटमॉस्फेयर को ऑक्यूपाई करता है, ऑक्सीजन 21 हमने देखा है अभी, और आर्गन सबसे कम है जो कि 0.9% है, और इसके आगे जो 1.1% जो है या 0.8% 9% जो मज़ीद जो है वो नोबल गैसेस मज़ीद भी इसके अंदर एटमॉस्फेयर में, उसे हम एडवांस लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट टेबल के नीचे देखें लिखा है, लिखते हैं एलिमेंट्स में भी सॉलिड्स लिक्विड्स और गैसेस, मीन जो एलिमेंट जो हमने ऊपर सारा स्टडी किया कि एलिमेंट क्या होते हैं, ये सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स में भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज सॉलिड्स, बट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट जो हैं वो सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम कॉपर जिंक गोल्ड, इन्होंने इसकी एग्जांपल दी हैं। देयर आर वेरी फ्यू एलिमेंट्स विच अकर इन लिक्विड स्टेट, बहुत कम मिकदार में एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में, इन्होंने एग्जांपल दिया मरकरी एंड ब्रोमीन। मरकरी आपको पता होगा कि जो थर्मामीटर यूज़ करते हैं हम, उसके अंदर जो वाइट लिक्विड होता है उसे मरकरी कहते हैं। ए फ्यू एलिमेंट एग्जिस्ट एज गैसेस, कुछ एलिमेंट जो हैं वो गैसेस में फॉर एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, मीन 118 ठीक है एलिमेंट्स में से, 118 एलिमेंट में से मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड्स में है और फ्यू एलिमेंट जो गैसेस और लिक्विड्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, मीन इनकी खसूसियात की बिना पर एलिमेंट्स को हमने फर्दर डिवाइड किया मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अबाउट 80% ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स। आगे इस बुक के अंदर तो इन्होंने कंसेप्ट ऑफ मेटल और नॉन मेटल या मेटलॉइड का नहीं दिया, मैं आपको थोड़ा सा इधर से ही बता देता हूँ कि जो मेटल्स हैं बेसिकली एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं वो मेटल्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इजीली पास थ्रू हो जाता है, जबकि नॉन मेटल जो हैं, मेटल जो हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट हैं, जबकि नॉन मेटल जो हैं, इनकी डेफिनेशन यह है कि नॉन मेटल्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। मेटलॉइड्स आर इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ बेसिकली मेटल एंड नॉट मेटल्स, और 80% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स के मेटल्स हैं। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही है, अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो केमिस्ट्री फिज़िक्स मैथ के अकॉर्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।